टू गिव रीजन फॉर द्रीटेड सीवेज एंड फैक्ट्री रिलीज इन टू वॉटर इसका आंसर आपको पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू पे मिलेगा पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू पे नॉलेज टेस्ट में सेकेंड पैराग्राफ का थर्ड लाइन से लिखेंगे अनट्रीटेड सीवेज इफ रिलीज इन रिवर वाटर कॉजेज पॉल्यूशन एम एन लीड टू डायरिया हिपेटाइटिस एक्सेट्रा

That less waste goes to landfill, which makes it cheaper and better for people and the environment. D. We should avoid using plastic bags. We should avoid using plastic bags because plastic bags kill wildlife and marine life. Plastic bags never completely break down, they are made from non-renewable resources and contribute to climatic change open dumping of solid waste is very harmful open dumps cause degradation of environment because of open burning groundwater and surface water pollution soil pollution and decrease in vegetation abundance f domestic waste is called municipal waste domestic waste is called municipal waste because it is non-hazardous

टू एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर फर्स्ट लाइन हो गई टू एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सेकेंड लाइन एंड टू एग्जाम्पल ऑफ बायो मेडिकल दो दो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और टॉक्सिक वेस्ट का एग्जाम्पल आपको टू हंड्रेड एंड सॉरी टू हंड्रेड पेज मिलेगा और बायोमेडिकल वेस्ट का आपको टू हंड्रेड एंड टू पे मिलेगा so, हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें से दो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं सीवेज कैटलडन देन टॉक्सिक और वेस्ट में आपको दो लिखना है इंडस्ट्रियल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट आपको पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू पर मिलेगा यहाँ पे uh, मैंने दो एग्जाम्पल्स uh, पे अंडरलाइन किया हुआ है यूज प्लास्टर्स एंड मेडिसिन क्वेश्चन नंबर टू

इस तरह से आप नंबर्स डाल लेंगे इसमें आपको ये भी लिखना है ए बी सी करके डाल लीजिएगा कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी रिसाइकल एबल वेस्ट सी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देन पॉइंट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट इसी के अंदर आप ड्रेनेज लिख लेंगे देन थर्ड इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट देन फोर्थ इज इंसनरेशन डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट में आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं ओपन डंपिंग डोमेस्टिक वेस्ट जो पेज नंबर टू हंड्रेड एंड वन पे है देन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी टू हंड्रेड एंड वन पे है और एग्रीकल्चरल वेस्ट भी टू हंड्रेड वन पे है तो जो सेम पेजेस पे है पहले हम उसको देखेंगे सो दिस पेज नंबर टू हंड्रेड एंड वन और इसमें हम देखेंगे डोमेस्टिक वेस्ट का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है तो पूरा आपको लिखना है वन टू थ्री फोर लाइन है उसके बाद आपका सी दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वेस्ट इसको आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट से लेकर सॉइल तक लिखना है उसके बाद आपको डी यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चरल वेस्ट इसमें आपको ये पूरा एक लाइन ऊपर के लिखनी है उसके बाद में क्रॉप रेसिड्यू लिखना है इसके दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कोई भी देन केमिकल फर्टिलाइजेशन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स And यहां तक आप लिखेंगे फॉर बी कमर्शियल वेस्ट यू हैव टू ओपन पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू तो यहाँ पे पेज नंबर टू हंड्रेड एंड टू पे आपको मिलेगा कमर्शियल वेस्ट ये भी पैराग्राफ अलॉन्ग विद्जाम्पल्स आपको पूरा लिखना है देन क्वेश्चन नंबर फोर विच कैटेगरी ड प्लास्टिक बिलोंग टू वाई शुड प्लास्टिक बैग्स बी बैंड तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लास्टिक बिलोंग्स टू टू हंड्रेड be 200, 200 पे मिलेगा पेज नंबर टू हंड्रेड पे आप देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी सेकेंड लाइन से लिखेंगे और उसमें आप ये डीज एड कर लेंगे दीज के नॉट बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर हार्मलेस सबस्टेंसेज इन नेचर बाई माइक्रोवेल एक्शन और हीट और आर डिग्रेडेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहां पर मैंने सी फोर बी लिख दिया है ताकि आप इसको समझ सके कि आपको ये सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है और लगाने के बाद आप से लिखना शुरू कर देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव लिस्ट वेरियस रीजन वाई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड आंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वेस्ट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन Rubbish and waste can cause air and water pollution. Rotting garbage is also known to produce harmful gases that mix with the air and cause breathing problems in people. So, this is your answer number five. Question number six Write explanatory notes on each of the following. Number one Segregation of domestic waste. Segregation of domestic waste. Number one Keep separate containers for dry and wet waste in the kitchen. सेकेंड कीप टू बैग्स फॉर ड्राई वेस्ट कलेक्शन पेपर एंड प्लास्टिक फॉर रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड वेस्ट थर्ड कीप प्लास्टिक फ्रॉम द किचन क्लीन एंड ड्राई एंड ड्रॉप इन द्राई वेस्ट बीन फोर्थ सेंड वेट वेस्ट आउट ऑफ द होम डेली बी स्क्रबर एंड सी प्रेसिपिटेटर स्क्रबर आपको पेज नंबर टू हंड्रेड एंड फोर पे मिलेगा और प्रेसिपिटेटर आपको पेज नंबर टू हंड्रेड एंड फाइव पे मिलेगा पेज नंबर टू हंड्रेड एंड फोर यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रबर हेडिंग लिखा हुआ है और इसको आपको कंप्लीट लिखना है पूरा आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे देन यू विल मूव टू पेज नंबर टू हंड्रेड एंड फाइव टू हंड्रेड एंड फाइव पे यहाँ तक आप लिखेंगे इसमें पूरा दिया हुआ है ठीक है प्योर वाटर का दिया हुआ है एंड देन अदर अल्कलाइन और एसिडिक सोल्यूशन का दिया हुआ है

इसका सेकेंड पार्ट हम नहीं करेंगे सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे तो इसके लिए यू हैव टू गो टू पेज नंबर टू हंड्रेड एंड फोर टू हंड्रेड एंड फोर पे इंसनरेशन की हेडिंग दी हुई है वहां पे आपको यहां से स्टार्ट करना है इंसनरेशन इनवॉल्व इट हटा देंगे ठीक है या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप इंसनरेशन की हेडिंग डाल के देन एक छोटा सा हाईफोन लगा के तब इट से स्टार्ट कर सकते हैं बेटर है कि आप यहां से लिखेंगे इंसनरेशन इनवॉल्व ठीक है इट हटा दीजिए डोंट राइट इट इंसनेरेशन इन्वॉल्व से लेकर आपको वन थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक लिखना है ये दो लाइन्स लिखनी है राइट right? देन आपको यहां से लिखना है इंसनरेशन से लेके और देन इंसनेरेटर तक लिखना है ठीक है ये दो लाइन ऊपर और एक लाइन ये और इसके साथ आपको इंसेंटर की डायग्राम बनानी है ठीक है तो ये आप लेबल डायग्राम इस आंसर के साथ बनाएंगे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो डायग्राम्स आपको बनाने हैं तो वो डायग्राम्स में एक आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक्स प्रेसिपिटेटर था और एक इंसेंटरेशन था तो आपको क्या करना है कि वो दो बार आप डायग्राम नहीं बनाएंगे क्वेश्चन के साथ ही यानी कि जो आंसर आपका इससे रिलेटेड है उसी के साथ यानी कि अब इंसनेरेशन आप यहां लिख रहे हैं तो इंसनेरेटर का डायग्राम यहां बनाएंगे इसी तरह से इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो क्वेश्चन है उसी के साथ आपको उसको फिगर बनाना है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर थैंक यू वेरी मच